गाइस कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं हूं जफर इकबाल और देखने जा रहे हैं सीरीज का नेक्स्ट पार्ट। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। हम सब तो आपके अनन्य दास हैं, यदि आप हम भक्तों पर कृपा नहीं करेंगे तो यह आपका न्याय होगा। हम सब यही अनशन करके प्राण त्याग देंगे। नहीं नहीं जापन जी, ना जी ना, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? हाँ। आप सबका मुझ पर ऐसा आभार है कि मैं कई जन्मों तक ये ऋण नहीं चुका पाऊंगा। आप सबकी हर इच्छा पूर्ण करना मेरा धर्म है, अन्यथा मैं कृतज्ञ कहलाऊंगा। रघुकुल के किसी भी प्राणी पर कोई उपकार करता है तो पूरा रघुकुल उसका ऋणी हो जाता है। आप सब अवश्य चलेंगे, हमें बहुत प्रसन्नता होगी। हाँ जी, सब जाएंगे भाई। हम तो संकोचवश नहीं कह रहे थे, अन्यथा हम आप सब लोगों को ले जाना चाहते थे, जिससे माताओं को और भरत को अपने ऐसे मित्र दिखा सके जिन्होंने हमारे लिए अपना जीवन तक दांव पर लगा दिया। क्या बात, जिन्होंने मित्र शब्द के वास्तविक अर्थ को मानव इतिहास में लिख दिया। गुरुदेव, माताएं, भरत, शत्रुघ्न और सारे अयोध्या वासी आप सब लोगों का स्वागत कर आनंद अनुभव करेंगे। प्रभु आप कितने दयालु हैं, भक्त पर दया भी इस विनम्रता से प्रकट करते हैं जैसे कोई निर्धन साहूकार का ऋण चुका रहा। अब विलंब किस बात का है प्रभु? पुष्पक आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। हाँ जी, आइए प्रभु। आइए। क्या बात है यार, वो यार बहुत प्यारा है। देखो बता रहे थे ना, जरूरत मुताबिक बड़ा भी हो जाता है। वो यार वानर सेना तो इधर है। सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय, रामचंद्र की जय। हे राम आपका सदैव ऋणी रहेगा। हाँ जी, इस महायुद्ध में जो विजय हुई है वो मेरी नहीं, वास्तव में आप सबकी ही विजय है। आप सब ने अपने अपने प्राण दांव पर लगाकर जो मेरी सहायता की है, जो मुझे युद्ध में विजय दिलाई, उसके लिए अयोध्या का समस्त राजकुल सदा आपका आभारी रहेगा। आपसे विदा लेते समय मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई अपने पुत्रों और अपने सगे संबंधियों से विदा लेता है। संकट में फंसे एक अनजान परदेसी की इस प्रकार सहायता करके आपने परमार्थ का जो एक आदर्श मानव जाति को सिखाया है, उसके लिए समस्त मानव जाति वंदनीय है। क्या बात है, राम का प्रणाम स्वीकार करो। सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय।
वो यार हो इतनी ज्यादा स्पीड वो स्पीड है बहुत इंतजार हुआ खत्म आपकी बजार करे हे पुष्पक, हम भरद्वाज मुनि के दर्शन चाहते हैं, इसलिए उनके आश्रम के निकट उतरने की कृपा करें। हनुमंत, हम महर्षि भरद्वाज के आश्रम में जाएंगे, परंतु तुम इसी समय सीधे नंदीग्राम जाकर भरत को हमारे आगमन का समाचार दे देना। जो आज्ञा प्रभु। बहुत मजा आने वाला है। ब्राह्मण के वेश में जाना कभी कभी अचानक खुशी की सूचना मिलने से भी हानि हो सकती है। समय की गति और भरत की मनोदशा देखकर फिर अपने वास्तविक रूप में आकर उसे हमारा संदेश देना। हम महर्षि भरद्वाज के दर्शन कर अपने मित्र निषाद राज गोह के पास चले जाएंगे। वहाँ सीता को गंगा की पूजा करनी है, इसलिए वहीं आकर भरत का समाचार हमें देना। जो आज्ञा प्रभु। जय श्री राम। लक्ष्मण, अपने आयु यही रख दो, क्योंकि आश्रम में जाना है। हम सांची कहते हैं राजा, चारों अयोध्या के राजा श्री रामचंद्र जी वनवास पूरा करके अयोध्या लौट रहे हैं। अरे ये का कहता है तू रे? क्या बात है, हमका वचन दे गए थे कि लौटत बिरिया हमारे पास जरूर पधारेंगे। अरे ऐसा कौन से मार्ग से जा रहे हैं जो अभी तक नहीं पहुँचे? कहते हैं आकाश मार्ग से जा रहे हैं। आकाश मार्ग से? अरे देखा हो, देखा राम प्रभु आए जबे। ओ यार, नीचे आ रहा है राम जी। आ देखा देखा, ये क्या कहते हैं सच्ची मित्रता, हमारे प्रभु आ गए। अरे चलो रे गंगवा, चलो। वाह जी वाह, ग्रेट बंदा है। प्रभु मेरे सरकार, मेरे सरकार, मेरे प्रभु, मेरे मित्र। आहा, ये सबसे हुआ। हमारे सरकार, हमारे मित्र। सब कुशल से तो है? आप कुशलता की बात कहा था सरकार। हमने सुना आप हमें मिले बिना सीधा ही अयोध्या चले जा रहे हो। नहीं, किसने कहा?
हमसे ऐसी कौन सी भूल हो गई जो आप हमें छोड़ के जा रहे थे। ऐसा कभी नहीं होगा। हमने तुम्हें वचन दिया था, आपको मिले बिना कैसे चले जाते। जाने थे लक्ष्मण भैया, हम जाने थे, हमारी सरकार तो वचन पालनहार है। ऐसे ही हमें थोड़े ही लक्ष्मण के समान कहा है। भैया सब कुशल से तो है। हाँ भैया, सब आनंद मंगल है। तो चलो मैया, हमारी झोपड़िया पवित्र करो। भैया जाते समय गंगा मैया की मनोती मान कर गए थे, सुकुशल लौटकर गंगा मैया की पूजा करके ही अयोध्या लौटेंगे। पहले वो तो पूरा करा दो। सही बात है, चलो पहले गंगा मैया के ही दर्शन करते हैं। चलो चलिए। चलो प्रभु पधारो। मातेश्वरी नीरेश्वरी सर्वेश्वरी गंगे नमः, धर्मेश्वरी परमेश्वरी तीर्थेश्वरी माते नमः। आशीर्वाद यही सियमोरा, भाग सुहाग तल रहे नूरा। क्या बात है यार। बिल्कुल यार, ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट था। बिल्कुल, अब राम जी वापस आ रहे हैं, और उससे पहले एक खुशी की बात यह है कि एक वानर सेना के साथ उन्होंने जो एक उनके साथ बातें की है ना, वो काफ़ी सुनने वाली थी यार। एक आखिर उन्होंने बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक साथ दिया है नल और नील ने स्पेशली, क्योंकि उन्होंने जो एक राम सेतु बना है ना, एक सबसे ज़्यादा उनका हाथ उसमें था कि जो पत्थर वो फेंकते थे वो तैर रहा था। बाकी अब ये है कि वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे थे, लेकिन आप वापस आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही इस चीज़ की। नहीं सही है कि भाई एक वानर सेना पर आए ना, तो एक कोई अब देखो ना, इतनी बड़ी सेना होती है तो उसमें कोई ना कोई ऐसा बंदा ज़रूर होता है जो एक सबको ना एक रास्ते से भटकाता है कि हम किसके पीछे लड़ रहे हैं, हमें क्या फ़ायदा। तो वो सबसे एक इंटरेस्टिंग बात उनकी लगी है वानर सेना में कि उनके अंदर ना एक यूनाइटेड होकर उन्होंने हर चीज़ की है। ठीक है, महाराज मतलब के सुग्रीव भी काफ़ी एक अच्छे थे, लेकिन उनमें भी कोई एक डोल मोल नहीं आया, मतलब के वो सुकून से लड़े हैं। हाँ नहीं, बड़ा भाई एक मित्रता उन्होंने निभाई हर तरीके से। लेकिन ये कि दूसरी तरफ भाई देखा जाए तो आप एक भाई रस्ते में स्टे किया है निषाद राज के पास, और साथ ही जो दूसरी बात की है ना कि आप भेष बदल के जाना एक ब्राह्मण के रूप में हनुमान जी की एक ड्यूटी के पास। हाँ, हनुमान जी की ड्यूटी लगाई है ना। लेकिन ये कि वहाँ पे एक उन्होंने सही बात की है कि आप जब वेस बदलेंगे तो उससे थोड़ा सा इंप्रेशन या एक खुशी उस हिसाब से नहीं होगी जैसे जाते ही आप वो नज़र आए, लेकिन उससे जो है ना वो मतलब एक एक जो है ना वो कुछ गलत भी हो सकता है। ये तो ठीक बात ही है, लेकिन अचानक से बंदा शॉक हो जाएगा, ये चीज़ें हैं। लेकिन इधर सही है, एक बार निषाद राज से मिलकर जाएंगे, वो भी काफ़ी परेशान हो रहे थे कि ऐसे कैसे चले जाएंगे। लेकिन ये कि अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।